क्या-क्या सावधानी रखी जाए जिसमें जो लोग हैं वो वापस दोबारा संक्रमण की चपेट में ना आए। चलें एक तरफ हम जबलपुर की तरफ रुक कर लेते हैं, देखते हैं दिनेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, चुनौतियों की यहाँ बात करेंगे, कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या चुनौतियां हैं जबलपुर में जो देखने को मिल सकती हैं? चुनौतियां बहुत है, जिस प्रकार से भी कोरोना संक्रमण की जो दर है लगातार कम होती जा रही है, वही जो मरीजों की संख्या 77 और मरने वाले की कल हुई है, और इसी के चलते जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है, जिला प्रशासन ने लगातार बैठकें की है। जिला प्रशासन का यही कहना है कि जिस प्रकार से जो ये हो रहा है उसको लेकर अभी अनलॉक की तरफ उसको काफी सख्ती से पालन किया जाए। एसडीएम और कलेक्टर और पुलिस अधिकारी से बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि जो लॉक तो रहेगा पर कहीं ना कहीं जिस ये बाजारों में जहां पर काफी भीड़भाड़ रहती है, भीड़भाड़ वाली एरिया है, वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के पुलिस की व्यवस्था रहेगी, बैरिकेडिंग रहेगी, वही दुकानदार और जो ग्राहक है दोनों मास्क लगाकर आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और जिस प्रकार से अगर मान लो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या मास्क नहीं लगा रहे हैं, इसकी शिकायत को लेकर पुलिस लगातार निगरानी करेगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। वही जो लॉकडाउन की बात है तो शनिवार रात जो 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, पूर्णतः बंद रहेगा, इसको जिसका क्राइसिस दिनेश क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है। ये भी जिस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट की कल बैठक हुई तो कई प्रस्ताव आए हैं, वहाँ ये भी प्रस्ताव आया है कि जो जो दुकानों हैं उनको 5 दिन खोला जाए, 5 दिन के साथ साथ अलग अलग समय पे दुकानें खोला जाए, ये प्रस्ताव कल पारित हुआ है, सभी लोगों ने एक मत होकर बात की है। मैं समझ रहा हूँ दिनेश, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी ने प्रस्ताव बना लिया है, शासन के पास भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं जबल संस्कार धानी की बात करूंगा तो सबसे बड़ी बात है फुआरा जो बहुत भीड़ वाला मार्केट है, लाडगंज, इसके बाद जो है सदर, सदर के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद जो है अगर आप देखें तो खासकर जो है नेपे टाउन, ये वो जगह हैं जहां भीड़ बहुत बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्वारी घाट पे क्या स्नान के लिए वापस खोल दिया जाएगा? जी, जिस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई, सभी व्यापारियों से बैठक हुई, जैसे फुआरा है, सराफ है, वो काफी भीड़ भाड़ होता है, पर उनका व्यापारियों का ये कहना था कि जो नियम रहेंगे उसके तहत काम किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग जो लोगों को दूरी बनाकर काम हो। वही ग्वारी घाट की जो बात की जा रही है तो नर्मदा पे जाने पे लोगों को स्नान के लिए प्रतिबंधित तो रहेगा, पर अगर जो मौत और इनमें जो खाली विसर्जन के लिए लोग आते हैं उनको छूट तो रहेगी, पर कहीं भीड़ लगाने की अनुमति नहीं रहेगी, ये प्रशासन की और जो बैठक हुई इसमें निर्णय लिया गया। दूसरा ये कि जो भीड़ भाड़ वाली एरिया है वहाँ पर एक तरफ ये भी बात हुई है कि अगर 2 दिन दाएं तरफ की जो बाजार है वो खुला जाए या 2 दिन बाएं तरफ की जो बाजार है वो खुले जाए, इससे क्राइसिस मैनेजमेंट ने ये निर्णय मतलब बैठक में प्रस्ताव भेजा है, और अभी सारी बैठकों का जो दौर है वो कल खत्म हुआ है, पर प्रशासन कहीं ना कहीं अनलॉक पे सख्ती बरतने के लिए पूर्णतः तैयारी कर लिया है। किसी उनका ये कहना है कि कहीं भी सख्ती को कम नहीं किया जाए, लोगों को जो कोरोना संक्रमण का जो दौर है उसमें जो रेट दर कम हुआ है उसको बढ़ाने के लिए कहीं भी छूट नहीं दी जाएगी और सख्ती बराबर की जाएगी। जी, ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के और चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गीत दीक्षित जी अलग अलग